दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम का एक बहुत बड़ा साउथ अफ्रीका दौरा शुरू होने जा रहा है और इसके लिए भारतीय टेस्ट टीम के सभी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं, लेकिन इस दौरे की शुरुआत से पहले ही भारतीय टीम को कई बड़े झटके भी लग चुके हैं और एक झटका तो इतना बड़ा साबित हो गया है कि इस समय भारतीय टीम के इस दौरे समय आने वाले बड़े मुकाबले के लिए कई अहम फैसले लेने होंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं भारतीय टीम को हुए इस बड़े नुकसान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से आप किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक तरफ उनके टेस्ट कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही है, तो वहीं भारतीय टीम के कई बड़े खिलाड़ी इस दौरे पर अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका का होने वाला यह दौरा भारतीय टीम के लिए बेहद ही मुश्किल होता नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद सभी भारतीय टीम के खिलाड़ी लगातार साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए तैयारियां करते नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के इस दौरे पर 3 टेस्ट मुकाबलों समेत 3 वनडे मुकाबले भी खेलने हैं और उसी वजह से यह दौरा भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा अहम भी है, जिसके लिए बीसीसीआई ने टेस्ट टीम के खिलाड़ियों की घोषणा कर दी थी और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला लेते हुए विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर हिटमैन रोहित शर्मा को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया था, जिसके बाद से ही लगातार विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा था। और इसी बीच उप कप्तान के रूप में भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हुए रोहित शर्मा प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा था। और एक तरफ जहां रोहित शर्मा के बिना ही टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा की चोट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद ही दुखद और चिंताजनक है। दरअसल प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित शर्मा के हैमस्ट्रिंग में खिंचाव जाने की वजह से वो चोटिल हो गए हैं और उस वक्त देखने पर ये लग रहा था कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन बीसीसीआई द्वारा उन्हें बैंगलोर स्थित एनसीए में भेजने के बाद ये खबर सामने आ रही है कि रोहित शर्मा 6 महीने के लिए अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी ये चोट बहुत ही ज्यादा गंभीर है और उन्हें एक लंबे समय के लिए आराम की सख्त जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा पहले भी ऐसी गंभीर चोट से जूझते नजर आए थे, वहीं उसी चोट का दोबारा उभरना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए फैंस में भी भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की निगरानी में फिटनेस पर ध्यान देते नजर आएंगे। वहीं भारतीय टीम को 2022 में कई बड़े और अहम मुकाबले खेलने हैं और क्योंकि रोहित शर्मा को भारतीय ओडीआई टीम का नया कप्तान घोषित किया जा चुका है, तो इसलिए भारतीय टीम के लिए ये खबर बेहद ही ज्यादा चिंताजनक साबित हो सकती है। दोस्तों रोहित शर्मा को लगी चोट की वजह से साउथ अफ्रीका दौरे में होने वाली ओडीआई सीरीज की तैयारियों में भारतीय टीम को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को ही भारतीय क्रिकेट टीम का वाइट बॉल कैप्टन घोषित किया गया था, लेकिन अब वो चोटिल होने की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे में ओडीआई मुकाबले जीतने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।